हम जीत चुके हैं और सबसे पहले मैं दिल्ली को थैंक यू बोलना चाहती हूँ दिल से कि इतनी नफरत, इतना बहुत कुछ होने के बावजूद आपने काम पे भरोसा किया और इससे पूरे देश को एक उम्मीद जागती है कि जो काम करने वाले हैं उनको कोई हरा नहीं सकता। ये एक होप का मैसेज है, दिल्ली पूरे देश को एक होप दिया है कि अगर आप काम करोगे तो आपको कोई नहीं हटा सकता है। तो मैं दिल्ली वालों को सैल्यूट करना चाहता हूँ कि उन्होंने देश में एक नई तरह की राजनीति को आगे आने का मौका दिया है। आने वाले टाइम पे हमें तो लगता है नेशनल लेवल पे भी पहुँच जाएंगे, नेशनल लेवल पे भी पहुँच जाएंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे हमारे देश के केजरीवाल इंशाल्लाह। जरूरत पड़ी तो हम उस पर भी वोट देंगे। मुख्यमंत्री ने पहले ही बार ऐसा किया, अगर काम किया हो तो वोट करना, नहीं बनना वोट मत करना। आने वाले समय मैं चाहता हूँ पूरे देश में अरविंद केजरीवाल की राजनीति में परिवर्तन आना चाहिए और देश की जरूरत है अरविंद केजरीवाल। देश को ये संदेश दिया है कि अब फालतू की लफबाजी से चुनाव नहीं होंगे, जमीन पर काम करना होगा और जो काम करेगा वही चुनाव जीतेगा, वही देश पर राज करेगा। जो आम आदमी ने एक मॉडल पेश किया है मोहल्ला क्लिनिक का और एजुकेशन का, इससे लोग बहुत खुश हैं। और मैं एक आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, अमित शाह जी ने जो बाबरपुर में जाकर रिक्वेस्ट की थी कि बटन यहां दबाना और करंट शाहीनबाग को लगाना, तो उनकी चली नहीं, उल्टा करंट उनको शाहीनबाग वालों ने लगाया और बहुत जोर से लगाया, शायद उनका पावर हाउस उड़ गया।